अजीब शक्ल वाले क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं भैया, मैं तो अपने काम कर रहा हूँ। और तुम क्या काम करते हो भोंदू? पैलियोन्टोलॉजिस्ट हूँ। पैंटोलॉजिस्ट? ये क्या है, पैंट जांचने की कला क्या है? बुद्धू पैलियोन्टोलॉजिस्ट, जमीन खोदकर हड्डियां जांचता हूँ। जमीन खोदकर? मैं डाल्टन, जो डाल्टन। येड़ा बाबू येड़ा, क्या हम साथ में खोद सकते हैं? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरे काम से बेईमानी होगी। तुम बेईमान नहीं हो तो जेल में क्या कर रहे हो? ये नाइंसाफी है माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ। हम सभी। कोई बात नहीं येड़ा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो एक अच्छा प्लान खोदो, कोई शक? भाई मेरी हड्डी हड्डी कहाँ पर गई? जेल में एलियंस तो नहीं आ गए? ओ, विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर आओ ये देखो, जल्दी आ जाओ जल्दी। क्या बात हो गई येड़ा? ये एक दुर्लभ डायनासोर की हड्डी है, हमें ये एरिया सील करके यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जल्द से जल्द, समझे ना? शायद ये हड्डी मैंने सुबह शेरू को दी थी। बिल्कुल भी नहीं, जरा इसे ध्यान से तो देखो, कॉन्वेक्स मैलियोलस। इस जेल के नीचे बड़े से डायनासोर का ढांचा है। मेरी हड्डी, जेलर ने मेरी हड्डी चुराई तो सुबह मुझे दी ही क्यों थी? क्या कहा, जेल के नीचे डायनासोर का ढांचा? बड़ा सा ढांचा, और इन बोन्स की बहुत कीमत है, पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में? हमें चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट, क्या बोलते हैं, पैंटोलॉजिस्ट। वो पैलियोन्टोलॉजिस्ट होता है और मैं ही तो हूँ वो, लेकिन मुझे गड्ढा खोदने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद गेड़ा? चार लोग अलग अलग साइज के। मिल जाएंगे डाल्टन सेना, गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट। माफ करना, चलो बड़ा गड्ढा खोदते हैं हम लोग। डाल्टन्स गड्ढा खोदे, उसमें नया क्या है? हाँ, आगे मत आना, यहाँ से 100 फीट की दूरी बनाए रखना, ठीक होगा। हाँ? ये सब सच लगे उसके लिए हमें हड्डियाँ चाहिए होंगी। कोई किचन में किसी ना किसी की तो मिल ही जाएगी। उससे भी ज्यादा हड्डियाँ चाहिए अब्रल। लाखों साल पहले गायब हुए डायनासोर का स्केलेटन हम फिर से बनाएंगे, देख लेना तुम। इस येड़े के पास इतनी सारी हड्डियां कैसे? मुझे मेरी हड्डी वापस चाहिए। ये तो सिंपल है, मुझे शर्म आ रही है। अद्भुत है ये, विश्वास ही नहीं हो रहा। एक्टिंग बंद करो जेलर, या नहीं है ये बहुत ही बड़ा सबूत है, ये साबित करने के लिए इंसान बंदर से बना है। बंदर से आए हो या छुछुंदर से, मुझे बस आजादी चाहिए। मैं बहुत ही फेमस बन जाऊंगा और अमीर भी। क्या तुमने अमीर का हड्डी? मुझे तो बाबू येड़ा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो, मेरी हड्डी। बन गया तुम्हारा ढांचा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। ये मेरी है। ओ,
ये तो इस गांव के पुराने सरदार की खोपड़ी है। क्या बात है, वो सरदार एक बड़ा सबूत है। ए, इज्जत से पेश आओ वरना हम सीधा सर मुंडवा देते हैं। मैं तुम्हें बाकी के सरदार भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाल मत काटना। बाकी का जेल में आपको चाहिए? इसके साथ रहूंगा तो मुझे कभी हड्डियों की कमी नहीं महसूस होगी। वो मेरी हड्डी लेकर जेल में जा रहा है। लेकिन भाई हम तो बाहर आ गए हैं, तो भागते हैं ना? बिल्कुल नहीं, अगर गेड़ा को ऐसी हड्डी मिली जो कीमती है तो ऐसी और होगी, हम वापस जाएंगे। बटन दबाया क्या? ये हड्डी मेरी है। बाबू येड़ा ने गांव के सरदार को डायनासोर के हड्डियां देकर एक बड़ी लड़ाई टाल दी, और जेल की सजा से बचने के लिए इसने सब सच बता दिया है हमें। सॉरी, पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं तो चला। इधर आ, मैं तुझे इंसान से बंदर वापस बनाता हूँ। पता नहीं था गांव का सरदार ऐसे दिखता था। मामला भेजीदार, मैं सरकार द्वारा भेजा गया एक अधिकारी हूँ। मैं हूँ पीबॉडी, इस जेल का जेलर, और ये है मेरी कलीग मिस बेटी। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। एक स्लॉट मशीन? नहीं जेलर, ये सरकारी संगठन का भविष्य है। ये मशीन हजारों में से जांच कर परख कर कोई एक अच्छा कैंडिडेट चूज करती है। तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो मामला भेजेदार? बेचारे जेलर साहब, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मशीन एक नया जेलर चुन कर रहेगी। डाल्टन्स। एक्सेलेंट, मुझे इस पत्र से रिपोर्ट करने में खेद है कि अब आप यहाँ के जेलर नहीं रहे। ऐसी असंस्कारी चीज मैं नहीं होने दूंगी। भेजेदार, मैं संस्कारी भूख हड़ताल करूंगी। भूख हड़ताल। डेल्टन्स, क्या शांति से गड्ढा भी खोदना नहीं देता? तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कोई और इस कुर्सी पे कभी बैठना चाहेगा क्या? चलो मैं चाबी दो। बहुत अच्छे। अरे जो, मैं किचन डिपार्टमेंट संभाल लूं क्या? ठीक है, जांच करो। जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब वापस आओ, जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब। अब ये कौन सा नया संस्कार है? जल्दी, सब तुम्हारे इनॉग्रल स्पीच की राह देख रहे हैं। खाने का सामान आ गया है। तुम्हें एक अच्छी लेकिन कड़क स्पीच देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों और कैदियों, मैं तुम्हारा नया जेलर हूँ, और रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई परमिशन नहीं और सबकी सजा डबल। जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब वापस लाओ। जरा मैं तुम्हें रोज पत्थर तोड़ने को मिलेंगे। ये कैसा था? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो सब डिसिप्लिन में रहो, तब तक हम बाहर घूम के आते हैं। कोई शक? जेलर साहब को वापस लाओ, जेलर साहब। तुम्हारे संस्कार काम नहीं कर रहा। आने का सामान आ गया। रुको, दरवाजा बंद मत करो। मिस्टर डाल्टन, अब मेरा दिमाग फटने लगा। मैं सोच रहा था कि सेल्स में सरप्राइज विजिट्स देना एक अच्छा आइडिया है, क्या कहना है तुम्हारा? वैसे एक्सीलेंट भेजेदार, एक्सीलेंट, बराबर ना। खोखली जमीन, इसके नीचे गड्ढा है। यस। ग्रीस की मैट, कमरे में बंदूक है। ये नकली है ताकि असलियत छुप सके। यस। मानना पड़ेगा बंदे में दम है। अगला सेल। एक्सीलेंट। तैयार है। एक्सीलेंट।
ये भेजे तारा मैं अकेला नहीं छोड़ेगा, रात को भागना पड़ेगा पहले जैसा, समझे? इस बार हमने कर दिखाया। ये एक नया कैदी है जो भीड़ में बैंक लूट रहा था, वो भी बिना किसी हथियार के। मुझे सेल में डाल दो, मेरे लेसेस निकालो और मेरी फिंगरप्रिंट। मुझे मालूम है क्या करना, समझे? जब हम कैदी थे और हमारे पास चाबी थी तभी भागना बहुत ज्यादा आसान था। जेदार, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये लफंगे मेरी कुर्सी के लायक नहीं है। लेकिन वो जेल अच्छे से संभाल रहे हैं और अब तक किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की है। अब तो खाना भी बढ़िया है, अभी तो कोई भागना भी नहीं चाहता। कुछ कैदी तो ये जेल में ट्रांसफर होना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरा बहुत पेपर वर्क बाकी है अभी। कोई नहीं भागा, अभी बताता हूँ, रुको। लेकिन यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे खुदे हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर देना। आजादी की खूबसूरत खुशबू। मिस बेटी, आप जेलर साहब? जेलर साहब, आप वापस आ गए। आते कैदी बन के जा रहे जेलर बन के, अच्छा प्रमोशन है। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे। तुम जानते थे वो भागने की कोशिश करेंगे, बेटा मजा आ गया। पी-बॉय, डाल्टन्स भाग रहे थे, भेजेदार भेजे में घुस रहा है, ये भाग रहे थे, ये बड़े खतरनाक कैदी हैं। जेलर साहब, मिस्टर पी-बॉय, सरकारी टेलीग्राम आया है, वो कंगाल हो गए हैं, हमारे जेल ने खाने पे इतना खर्चा किया कि उनका दिवाला निकल गया। सरकार अपील करती है कि खर्चा बंद करो, पी-बॉय को वापस जेलर बनाओ और डाल्टन्स को फिर से कैदी बना दो। ये क्या मामला, भेजेदार भेजा साथ में रखा कर और आते जाते रहना। हम जेलर थे इसीलिए उन्होंने हमें VIP सेल्स दिए, लेकिन हम गड्ढा तो फिर भी खोदेंगे। ये नहीं खुदेगा, किसका था ये बकवास आइडिया? तुम्हारा था जो, जब तुम एक जेलर थे। और इस नए डिवाइस का नाम क्या है? टेलीग्राफ, संस्कारी वैज्ञानिक आविष्कार। और काम कैसे करता है? मशीन पे कोड से संस्कारी मैसेज लिखो और फिर वो इन तारों पर रेंगते रेंगते पूरे देश में फैल जाएगा। हाँ, समझ गया। वाह, मुझे नया खंबा मिल गया। अरे ये इतने सारे खंबे क्यों गाड़े हैं मेरे भाई? मिस बेटी ने कहा ना, ये सारी वायर्स पूरे देश में जाती है, मस्त वाला आइडिया है। एवरल, चलो जल्दी चलो। अरे मैं नहीं जा सकता, कोई चीज बीच में अटक रही है। तो चीज किसको बोला रे? यह तो काफी जगह है। चलो जल्दी करो, ये आगे बढ़े तो मैं चलू ना। मुझे डर लग रहा है। चलो चलो। गया, अब तुम सब वायर की मदद से नहीं भाग पाओगे। अरे क्या हुआ भाई? जो का आइडिया यूनिक नहीं था इसीलिए दुखी है।
इन्हें किसी काम में बिजी कर दो। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। देखा आपने, बैठे बैठे संस्कारी शॉपिंग हो सकती है। सब अपने लिए शॉपिंग करेंगे और हमेशा बिजी रहेंगे। बहुत अच्छे मिस बेटी, मजा आ गया। सबकी शॉपिंग लिस्ट ले आए पीट? हाँ ले आया, और ये तो सिर्फ आधी है, आधी बाद में लाता हूँ मैडम। भाई देखो, सामान आ गया। तुम्हारे लिए भी मंगाया था, जरा देख के बताओ कैसा लगा। चेस की कुकड़ी। बाकी की चेस कहाँ पर है भाइयों? कोचो, भागने का कोई प्लान सोचो। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्रिकेट की मैच चल रही है। बैट्समैन ने घुमाई बैट और बॉल है हवा में, लेकिन संस्कारी फील्डर बॉल के बिल्कुल नीचे है। कैच पकड़ेगा या छोड़ेगा? अरे ये लोग तो आगे निकल गए। और ये ओप्स, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मिस बेटी, अगर आप चाहें तो मैं कर लूं क्या? मैं कोर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ये लो बाकी के बचे हुए ऑर्डर्स। अरे हमें नहीं पता था कि तुम्हें यह आता है जो। चुप हो जाओ अप्रैल, ये सब इसलिए क्योंकि मस्त वाला आइडिया आया है। देर रात होने पर जब गार्ड्स चले जाएंगे, हम वायर से भाग जाएंगे, समझे? डाल्टन्स भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। वो कोई इतने भी असंस्कारी नहीं है जेलर साहब। देखा, मुझे पता था। सिंगल वायर से लेट हो रहा था, डबल वायर से जल्दी काम होगा, कोई शक? आओ, तभी तो कोर्ट्स जल्दी जाएंगे। बढ़िया। हाई स्पीड कनेक्शन, मजा आ गया। डबल वायर कर दो जल्दी से। 2 किलो आइसक्रीम चाहिए, पिछले महीने की मैगजीन। खंबे से उतर जाते हैं। कूद जाते हैं, लटकना ही ठीक है। बस करो लंबू चांद। और कितनी दूर है? बस पहुंच गया, खंबा दिख रहा है ना? मुझे पता था। सबसे पहला रूल, डाल्टन्स पे भरोसा मत करो। मिस बेटे। हाँ जेलर साहब। मेरे लिए मैसेज टाइप करो, डाल्टन्स भाग गए हैं। आजादी। अब चुप रहो एब्रल। अरे मैं नहीं कर रहा। और अब हमें बस वेट करना है डिलीवरी के लिए। बहुत जल्दी आ गए बरखुरदार। हाय, 200 किलो आइसक्रीम की डिलीवरी है। नाम क्या है? जाकल लबर तुम डम्मा के। एड्रेस है ये क्या? माफ कीजिएगा, एड्रेस गलत है। गुड बाय। 100 किलो बिरयानी की डिलीवरी है। नाम क्या है? जेकुल जाकट दरम। मैंने 50 डिब्बे अचार की डिलीवरी लाई है। डाल्टन को यहाँ लेके आओ। समझ नहीं आता हर बार मैं क्यों। ये गंदगी देखो, ये जेल है क्या? जेल कम कूड़ा पत्ती ज्यादा लग रही है, और चिड़ियाघर भी। चलो भागो यहाँ से। ये अपने आप को एरोप्लेन समझते क्या? इतना बड़ा बोर्ड, चिकन लग रहा है। काफी बड़ा वाला चिकन है ये।
एवरियल भागो वहाँ से। अरे तुम ये कुकी खाना चाहोगे? तुम कितने प्यारे हो। भाइयों मुझे लगता है कि ये पंछी हमें उठाकर जेल के उस पार ले जा सकता है। लेकिन एवरिल उड़ नहीं सकता ना। अरे घोंचो, मैं उस चिकन की बात कर रहा हूँ। एवरिल से कहते हैं कि उसे ट्रेन करे, हमको मिलेगी आजादी। एवरिल कहाँ है? ये क्या है? अरे ये इस फ्लूट से मैं चमेली को बुलाऊंगा। किसे बुलाऊंगा? अरे चमेली को, फ्लूट सुन के वह तुरंत आ जाएगी। कहा था ना मैंने, चलो हाय बोलो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले मुड़ेंगे। जाक पहले तुम जाओ। हे, क्या तुम मेरे प्लेनेट से आए हो? मुझे कब ले जाओगे बताओ। अरे वाह, अभी ले जा रहे हो? क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। चमेली प्लीज शेरू को छोड़ दो। इधर ला। जाक, इससे पहले मेरा टेम्पर गरम हो इसे हटा। और बेवकूफ शेरू को हटा। स्टेप टू, एरोप्लेन। आपातकालीन स्थिति के दौरान ऊपर से ऑक्सीजन की थैली गिरेगी। पहले खुद की मदद करना, फिर दूसरों की, समझे? मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम बहुत ऊपर आ गए हैं, थोड़ा नीचे उड़ सकते हैं क्या? स्टेप थ्री, लैंडिंग। भूलना मत चमेली, आराम से। बहुत खूब चमेली, तुमने देखा जो। तुम लोग इस चिड़िया के साथ क्या कबड्डी खेल रहे हो? इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये नाच सके। ये चिड़िया नाच सकती है पता है क्या? ये देखो। अभी एक टांग से नाचती है। अरे पहले क्यों नहीं बताया हम डांस सिखा रहे हैं? मैं इसे भागने की ट्रेनिंग दे रहा था। क्या ये पक्का तैयार है? पक्का, हमने सारी तैयारी की है। चमेली मेरी तरह ही बहुत होशियार है। पता नहीं, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी चेकिंग, कहीं तुम प्लेन में कोई खतरनाक चीज तो नहीं ले जा रहे? ये क्या, मेरा टूथब्रश क्यों फेंका? ये गांव का सरदार यहाँ क्यों आया? जेलर, हम चंपा को वापस लेने आए हैं। वैसे ये कौन है? चंपा? चंपा गांव की पवित्र चिड़िया है, वो गांव को बचा देती है। चंपा के बिना हमारा गांव अधूरा महसूस कर रहा है। कुछ समझे, ये चिकन नहीं है तो सारा सा। प्लान ए छोड़ो, एक मस्त वाला प्लान बी आइडिया आया है, चलो समझाता हूँ। चंपा चिंगा लाला हु, चिंगा लाला हु, बोला ये। वो चंपा को बोर्ड लैंग्वेज में वापस अपने गांव आने के लिए कह रहा है। फिर मिलते हैं जेलर। हाँ फिर मिलते हैं सरदार, बाय बाय। इस लंगोट में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं हूँ, समझे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, भागना है तो ये करना पड़ेगा, समझे क्या? Yahoo!
यकीन नहीं हो रहा, डाल्टन चंपा की मदद से भाग रहे हैं। ये क्या, मुझे ले जाने के बजाय वो उन बच्चों को ले जा रही है। आसमान साफ है और हम उड़ रहे हैं 128 मीटर एल्टीट्यूड पर। तुम्हें कैसे पता 128 मीटर ऊपर है? लेकिन भाई हम लैंड कहाँ करने वाले हैं बताओ? तो अब चमेली को ही पता। जादूगर जोजो जल्दी आ जाओ, चंपा बच्चों के साथ वापस आ गई है। लेकिन इस साल बच्चों की शक्ल बड़ी खराब है। चंपा तुम वापस घर आ गई? मैं जेलर को बताता हूँ, किसी और को भी तो घर वापस भेजना है। हर बार मैं ही क्यों? अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से वरना गार्ड सुन लेंगे। भास्कर लंबोचान। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है, ये उस डेस्क पर था। ये हाँ, एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। पीबॉडी, माधव पीबॉडी, यहाँ का जेलर, और आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगो चंद? नहीं, वो तो हैंडसम है। लगे मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। हे, ये भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। ईश, ठीक है ना मोना मेम साहब? भैया, कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहाँ हम 4 वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम 4 वहाँ से चुपचाप रफू चक करोंगे। तू और मोना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ईश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए 4, आए 3। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गई।
लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी राह देख रहे थे कि जो की मैं यहाँ हूँ तो जो का क्या काम? मोना जी, सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दमालू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप, मैं और चांद। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ए, ये कैसी आवाज है? देखिए टूटता तारा, कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जलार। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। शोरों का पत्थर छोड़ मुझे। चलो या या सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना, मेरी मेम साहब, वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गया। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो, ना मैं मोना हूँ ना मैं मैडम हूँ, मैं जो जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई अलगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।